ये दो चीजें अगर आप छोड़ दोगे ना, लिटरली आपकी स्किन वैसी क्लियर हो जाएगी. हेल्प मी सजेस्ट अ गुड शॉप फॉर लहंगास अराउंड 30 के बजट. हाउ टू फाइंड अफोर्डेबल आउटफिट्स दैट स्टिल मेक यू स्टैंड आउट. ऑफलाइन वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स शॉप्स इन दिल्ली या फिर शॉप नेम फॉर ब्राइडमेड्स आउटफिट. गोइंग टू बाय लहंगा फ्रॉम दिल्ली बट समहाउ हर्ड दैट दे चेंज ब्लाउज और मेजरमेंट्स. वेयर टू बाय रिसेप्शन लहंगा और गाउन. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for another Q&A. By the way, I'm sitting in my bedroom with my chashma on because sardi ek to bahut zyada hai Delhi mein. Mera man nahi hai studio room mein shoot karne ka, bahut zyada thand lagti hai. Plus mujhe ekdam comfortable rehna tha. My eyes are getting dry nowadays jab main lenses lagati hu, maybe because of winter. So isliye ekdam main apne comfortable wale avatar mein baithi hu because I have to answer a lot of questions. So aaj ka Q&A hone wala hai related to wedding shopping. So recently main abhi Chandni Chowk gayi thi. I went for my फ्रेंड्स वेडिंग शॉपिंग. उसको बहुत सारी चीज़ें लेनी थी एंड आई एम लाइक द ऑफिशियल चांदनी चौक घुमाओ गाइड बिकॉज नाउ आई नो द होल मार्केट. अब मुझे सब कुछ पता है कहाँ क्या मिलता है. तो आज की वीडियो होने वाली है फुल ऑफ कशिका ज्ञान. सो जस्ट इन केस यू आर गेटिंग मैरिड, आपकी फैमिली में किसी की शादी है या फिर शादी नहीं भी हो रही लेकिन फिर भी शादी का कॉन्टेंट देखना है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले जरा वापस आएंगे, सब्सक्राइब बटन पर हिट करेंगे, हिट द लाइक बटन एज वेल बिकॉज आई नो यू विल लाइक दिस वीडियो. इतना सारा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हर कोई नहीं बनाता है, जस्ट मी हू शेयरिंग लाइक एवरी डैम डिटेल विद यू गाइज. सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड नाउ लेट्स गो. काफी सारे तो रैंडम क्वेश्चंस हैं तो मैं एकदम ऑर्डर में लेने वाली हूँ सो दैट हम एक थोड़ा सा ऑर्डर में चलें. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन किसी ने पूछा है, आई एम गेटिंग मैरिड इन अप्रैल, प्लीज हेल्प मी सजेस्ट अ गुड शॉप फॉर लहंगास अराउंड 30 के बजट. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन और भी आता है इसके अलावा लोग पूछते हैं हमें अपना ब्राइडल आउटफिट कब लेना चाहिए. आई थिंक आइडली आप 3 महीने पहले अपना ब्राइडल आउटफिट ले सकते हो. येस आई थिंक 60 to 90 days आर इनफ, इससे ज्यादा ही मत लेना. मतलब ऐसा नहीं है 6-5 महीने पहले अपना लहंगा लेके बैठ जाओ, इतनी भी कोई अर्जेंसी नहीं होती. मैंने खुद अपना लहंगा आई थिंक remember the date, it was around 18 or 19 December, इसके अराउंड मैंने अपना लहंगा फाइनलाइज किया था और 25 February की मेरी शादी थी. सो 3 महीने का जो टाइम होता है इट इज़ लाइक आइडल. मेरा 3 महीने से भी थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैं ज़्यादा पैनिक हो रही थी बिकॉज अगर आप प्रॉपर लहंगा बनवाओगे, आपको प्रॉपर रीडिज़ाइन कराना है, ब्लाउज भी आपको बनवाना होता है. देखो रेडीमेड लहंगा अगर लेने वाले हो तो फिर तो ठीक है, आप विद इन 30 days भी ले सकते हो, लेकिन लहंगा बनने में टाइम लगता है, स्पेसिफिकली हैंडवर्क का लहंगा. तो आइडल टाइम जो होता है आपका ब्राइडल लहंगा बनवाने का वो होना चाहिए 90 days के अराउंड. तो आप अपनी शादी से 90 days पहले आ सकते हो शॉपिंग करने के लिए. नाउ शी इज आस्किंग, मेरी अप्रैल में शादी है, मुझे लहंगे बताओ 30 के बजट के क्या मुझे मिल जाएंगे. और उन्होंने रोने वाला इमोजी लगाया है. रोने वाला इमोजी क्यों लगाया यार, आपको इजीली 30K में चांदनी चौक में लहंगे मिल जाएंगे. जस्ट हैव टू गो इन साइड द गलीज. तो चांदनी चौक क्या है, ऑब्वियसली इट्स एशियाज बिगेस्ट मार्केट, पूरी शादी की मार्केट है. मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियो में शॉर्टकट भी बताया हुआ है. जब आप मेट्रो स्टेशन से निकलते हो लोग यूजली स्ट्रेट एग्जिट ले लेते हैं, बाहर जाते हैं और फिर वहाँ से पूरा वॉक करके चांदनी चौक की तरफ जाते हैं. नहीं, आपको बाहर आते ही राइट साइड में एक पार्क की एग्जिट मिलेगी, आप वहाँ से निकलोगे, आगे जाके एक गेट दिखता है, आयरन का बड़ा सा गेट है, वहाँ से क्रॉस करोगे फिर ज्वेलरी की दुकानें आती है एंड वो गली क्रॉस करती है आप लिटरली मेन रोड पर आ जाओगे जो सबसे एक्टिव रोड है शादी के लहंगे की. मेरा तो जहां से मैंने लहंगा बनवाया वो तो काफी पास है, वहां से रोड क्रॉस किया, अंदर गए और वो शॉप आ जाती है. तो जो भी लोग कहते हैं चांदनी चौक जाना हसल है, बड़ा मुश्किल है टाइम निकालना, देखो सैटरडे संडे जाओगे भीड़ मिलेगी. आई ऑलवेज से, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला था प्लीज वीकडे में टाइम निकालो, बट अगेन दे आर वर्किंग, सबकी जॉब होती है. आई नो मंडे टू लाइक फ्राइडे निकालना मुश्किल होता है, बट इफ पॉसिबल आई वुड से प्लीज वीकडे में जाओ, मंडे ट्यूजडे वेनसडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जाओ, आपको भीड़ कम मिलेगी. जब रश कम होता है ना तो शॉपकीपर आपको अच्छे से दिखाता है बिकॉज चांदनी चौक में यू नो काफी छोटी-छोटी दुकानें हैं, बिल्कुल बैठने की भी जगह नहीं होती, काफी तो दुकानें से लहंगों से भरी रहती है. सो एक या दो कस्टमर आती है शॉप पूरी फुल हो जाती है. एंड अगर आपको अच्छे से लहंगा देखना, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं आपकी शादी आपने पहला लहंगा देखा सेलेक्ट कर लिया, आप बहुत सारे लहंगे देखने वाले हो, काफी बार शॉपकीपर भी अनॉय हो जाते हैं कि यार हम नेक्स्ट कस्टमर को अटेंड करना है. तो सैटरडे संडे जाओगे आपको शायद लहंगा मिल भी जाएगा, धक्के खाओगे, भीड़ बहुत मिलेगी, टाइम नहीं दे पाओगे. आई वुड से प्लीज एक दिन की छुट्टी लो और वीकडे में जाओ. वीकडे में बहुत अच्छा अर्ली मॉर्निंग के टाइम जाओगे, शॉप्स तब खुलती हैं, एकदम परफेक्ट टाइम होता है. चांदनी चौक क्लोज कब होता है, चांदनी चौक संडे क्लोज होता है, लेकिन अभी जो वेडिंग सीजन चल रहा है ना चांदनी चौक संडे भी खुलता है. जितनी भी सारी फेमस शॉप है वो संडे भी खुलती हैं. आई थिंक किनारी बाजार इज द ओनली मार्केट जो संडे क्लोज होती है. अभी जब मैं रिसेंटली गई थी मुझे किसी ने बताया कि पूरा चांदनी चौक खुला होता है, किनारी बाजार बंद होता है. तो आते हैं इनके मेन क्वेश्चन पर, मुझे लहंगा चाहिए 30K के बजट में. आपको इजिली मिल जाएगा, आपको सिर्फ जाना है गलियों में. सो चांदनी चौक की जो मेन रोड है आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी एंड जब आप वहां से क्रॉस करोगे ना आपको कोई
महीनों के भैया मिल जाएंगे, लहंगा देखना लहंगा देखना, फिर आपको गलियों गलियों में ले जाएंगे। आई वुड से आप थोड़ा सा आगे जाके जो टाउन हॉल आता है ना, वहाँ से स्ट्रेट जाना, विच इज़ एक्चुअली नई सड़क जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर आपको बहुत सारी लहंगों की दुकान मिलेगी। एंड कोशिश करो मेन रोड की शॉप पे मत जाओ, अंदर गलियों गलियों में जाओ, आपको बहुत सारी शॉप्स मिलने वाली है। वन शॉप जिसकी मुझे कलेक्शन अफोर्डेबल में अच्छी लगी थी, विच इज़ राघव क्रिएशन, वो सुधीर भाई वाली गली में ही है। जब आप सुधीर भाई जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा, मेन रोड पे सुधीर भाई आप किसे पूछो, कोई भी आपको बता देगा। आप जब सुधीर भाई के लिए गली में जाओगे, उसी गली में आई थिंक लेफ्ट या राइट पे राघव क्रिएशंस करके शॉप है, उनके लहंगे मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे, अच्छी प्राइस रेंज थी। शॉप इतनी लाइक विजुअली अपीलिंग नहीं है, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट उनके प्राइसेस है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। अदरवाइज आप जब किनारी बाजार की तरफ भी जाते हो ना, वहाँ पर भी गलियों में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पर आपको 20K, 10K, 30K में ईजिली ब्राइडल लहंगा मिल जाएगा। सो रोने वाली बात नहीं है, चांदनी चौक में बजट में भी लहंगे मिलते हैं। बट येस, अगर आप बोलो मुझे प्योर हैंडवर्क का लहंगा चाहिए, हाथ का काम चाहिए, एकदम फाइन क्वालिटी वर्क होता है ना, वो आपको 30K में नहीं मिल पाएगा। हैंडवर्क का लहंगा स्टार्ट ही 70-80K से होता है, बिकॉज ब्राइडल लहंगा में काम बहुत ज़्यादा होता है। या तो आप बिल्कुल हल्का लहंगा पहन रहे हो, फिर तो आपको हैंडवर्क में सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन ब्राइडल लहंगे में काम इतना ज़्यादा होता है, वो आपको 50K के अंडर शायद ही मिल पाएगा। कोई आपको 30-40K में पूरा हैवी ब्राइडल लहंगा दे रहा है और बोल रहा है ये प्योर हैंडवर्क है, तो आई थिंक मैं डाउट करूँगी, बिकॉज प्योर हैंडवर्क ब्राइडल पे इतना कम बजट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन याशिका ने पूछा है, कैन यू हेल्प नॉन दिल्ली पीपल लाइक बाइंग देम स्टफ एंड शिपिंग इट। ओके, सो काफ़ी लड़कियों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम दिल्ली से बाहर रहते हैं, क्या हम चांदनी चौक में आके लहंगे ले सकते हैं। देखो, आना तो आपको पड़ेगा, चाहे एक दिन ट्रेन करके आओ, फ्लाइट करके आओ, जैसे भी आओ, आना तो आपको पड़ेगा, बिकॉज लहंगा आप देखोगे, ट्राई करोगे, उसमें चेंजेस होंगे वो बताओगे, या ब्लाउज का जो डिज़ाइन देना होता है वो बताओगे, तो आपको आना तो पड़ेगा। लेकिन जब रेडी हो जाता है वो, तो आप डेफिनेटली शिप करा सकते हैं। मैक्सिमम चांदनी चौक की शॉप आपको डिलीवर करा के देती है, वो आपसे डिलीवरी चार्जेस ले देती है। इनफैक्ट डेली में भी, लाइक मेरा जो हेड का दुपट्टा था उसका कलर थोड़ा सा अलग उन्होंने बना दिया था, फिर मैंने वो करेक्ट कराया था, तो उसके बाद मैं लेने नहीं गई थी, बिकॉज मेरे वेडिंग फंक्शन शुरू होने वाले थे और उन्होंने मुझे पोर्टर के थ्रू सेंड करा दिया था, और पोर्टर जितना डिलीवरी चार्ज लेता है आप वो ईजिली दे सकते हैं। सो या आप ईजिली घर बैठे बैठे भी आपका लहंगा आ जाएगा, लेकिन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप लहंगे नहीं ले सकते। अगर कोई भी शॉप ऑफर कर रही है कि ऑनलाइन ले लो, आई वुड से अवॉइड करो, बिकॉज जब तक लहंगा आप सामने से खुद नहीं देखोगे, उसको ट्राई नहीं करोगे, उसका ब्लाउज का अच्छे से मेजरमेंट नहीं दोगे, तो काम नहीं चलने वाला। सो या यू हैव टू कम, लेकिन शिप इजिली कोई भी शॉप कर देती है। नेक्स्ट अब किसी ने पूछा है, बेस्ट शॉप फॉर हेल्दी मेहंदी आउटफिट्स फॉर ब्राइड। देखो, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगी, लेकिन हल्दी मेहंदी पे अगर आप सूट पहनने की सोच रहे हो, लाइट में कुछ कॉर्ड सेट जैसे आजकल चल रहे हैं, वन सिंगल एल एंड आरकली चल रहे हैं, वो पहनने की सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली कटरानील जा सकते हो। सो टाउन हॉल विच इज़ लाइक वेरी फेमस चांदनी चौक पे, वहीं से ही गलियां निकलती हैं। ये जैसे टाउन हॉल है, ऊपर से दिखा रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा डायरेक्शन समझाना नहीं आता, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन होता है, मेट्रो स्टेशन से आप थोड़ा सा सीधा जाते हो, वहाँ पर टाउन हॉल आता है, ऐसे दिखाती हूँ, आई थिंक मुझे ऐसे दिखाना चाहिए ना। सो दिस इज टाउन हॉल बेसिकली, यहाँ से जो स्ट्रेट रोड जाती है, दिस इज नई सड़क, यहाँ पर आपको सारे लहंगे साड़ीज काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, और यहाँ से स्ट्रेट जब आप जाओगे, लाइक यहाँ पर मेट्रो है, मेट्रो से आप उसी तरफ, रोड नहीं क्रॉस करनी, मेट्रो से आप सीधा टाउन हॉल गए, टाउन हॉल से थोड़ा सा आगे जाके राइट में कट आएगा, विच इज कटरानील, एक और मार्केट है वहाँ पे पूचा नबिला। सो ये दो मार्केट आप किसे भी पूछ सकते हो, पूचा नबिला जाना है या फिर कटरानील जाना है। दीज मार्केट्स आर फेमस फॉर सूट्स, यहाँ पर आपको सूट्स मिल जाएंगे, थ्री पीस वाले सेट मिल जाएंगे, लाइक आजकल चल रहा है ना, ऐसे ब्लाउज होता है, नीचे प्लाजो पैंट्स या फिर धोती होती है, उसके ऊपर जैकेट होती है, आप वो डेफिनेटली पहन सकते हो, बहुत प्रिटी लगती है। इनफैक्ट मेहंदी हल्दी पे तो मैं ऐसी आउटफिट सजेस्ट करूंगी जो लाइट है, इजी टू वेयर है, सो दैट आप इंजॉय कर पाओ। हर वक्त ऐसे भारी भारी लहंगे पहनने की जरूरत नहीं होती, बट ऑफकोर्स सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी को अपनी हल्दी मेहंदी पे हैवी लहंगा पहनना है तो वो लहंगा वाली मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन ये जो दो मार्केट मैंने आपको बताई जो टाउन हॉल की तरफ ही आती है, विच इज कटरानील एंड कूचा नबिला, दिस इज एक्चुअली अ होलसेल सॉर्ट ऑफ मार्केट फॉर सूट्स, अनारकली। दो लड़कियों ने सिमिलरली पूछा है, ऑफलाइन वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स शॉप्स इन दिल्ली या फिर शॉप नेम फॉर ब्राइडमेड्स आउटफिट। देखो, ऐसे कोई अलग सी दुकान तो होगी नहीं कि यहाँ पे खाली गेस्ट के कपड़े मिलते हैं, यहाँ पे ब्राइड्समेड के कपड़े मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे, आप मालीवाड़ा जाओ, वहाँ पे नई सड़क पे जाओ, देन कूचा नबिला मैंने जो आपको मार्केट बताई, यहाँ पर आपको ईजिली सेमी हैवी सॉर्ट ऑफ लहंगेज मिल जाएंगे, सूट्स मिल जाएंगे। आप कोई भी ब्राइडल लहंगा की शॉप पे जाओगे तो वहाँ पर मुश्किल है, बिकॉज फिर वो सेमी ब्राइडल में ना आपको हैवी हैवी वाले दिखाएंगे। आई नो आप गेस्ट वाले कपड़े कह रहे हो, तो थोड़े से लाइटर में आप इजिली कोई भी साड़ी शॉप पे जा सकते हो। आप मालीवाड़ा जाना, देर इज अ वेरी फेमस गली नई सड़क पे, जहाँ पर बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं, लाइक देर इज एम एम क्रिएशन, देर इज गौरवी, देर इज योनी, वहाँ पर आपको साड़ीज भी मिलेंगी, वहाँ पर आपको थ्री पीस सेट्स मिल जाएंगे, आपको लाइट वाले लहंगे मिल जाएंगे। इनफैक्ट उस गली में आप जाओगे ना, आपको काफ़ी सारे अनस्टिच लहंगे मिलते हैं जो काफ़ी
अच्छे रेट पे, लाइक अभी मैंने रिसेंटली एक अनसिस लहंगा देखा था, वो 5000 बोल रहे थे, पापा डोंट प्रीच के एग्जैक्ट कॉपीज आपको मिलती है। यस, अभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो आने वाला है। मैंने रिसेंटली स्टोरी डाली थी कि पापा डोंट प्रीच की पूरी कलेक्शन चांद चौक में मिलती है, एंड आई एम नॉट किडिंग यू गाइज। अगर आप नहीं, आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो पापा डोंट प्रीच, इट्स अ डिजाइनर ओन ब्रांड, एंड उनकी पूरी कॉपी आपको चांद चौक में मिल जाएगी, फ्रॉम जम सूट्स, फ्रॉम लहंगाज। आजकल लड़कियाँ हल्दी मेहंदी में पापा डोंट प्रीच वाले डिजाइन पहन रही हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। लाइक आपको लाइटर रेंज में गलियों में जाना पड़ेगा, जो सेमी स्टिच ओपन लहंगेज देते हैं वो आपको लहंगा स्टिच करके दे देंगे, लेकिन ब्लाउज का वो आपको कपड़ा देंगे, ब्लाउज आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज 5000 में आपको इतना हेवी लहंगा दे रहे हैं तो उसमें ब्लाउज तो स्टिच आपको मिलने नहीं वाला। नेक्स्ट प्रियंका ने पूछा है, आई हैव हर्ड दैट सुधीर भाई और अदर स्टोर इन चांदनी चौक वो ब्लाउज स्टिच करवा के देते हैं इफ वी इंसिस्ट। देखो ये तो मुझे नहीं पता कि इंसिस्ट करने पे स्टिच करा देते, लेकिन मुझे इतना एक सिंपल सा फैक्ट पता है कि सुधीर भाई में ना दो सेक्शंस हैं। जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस वीडियो देखते हो ना सुधीर भाई की, लड़कियां ऐसे कर्टेन हटाती हैं, बाहर निकलती हैं, ऐसे लोग रोजेस डालते हैं, वो उनकी प्रीमियम कलेक्शन है। यस, वो जो फ्लोर है उनका वो पूरा प्रीमियम कलेक्शन वाला है। वहाँ पे आपको एक तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ पे वॉक इन नहीं होता। ऐसा नहीं आप सुधीर भाई में कभी भी गए और ऊपर वो प्रीमियम कलेक्शन देखने चले गए, नहीं, आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वहाँ पर जाओगे, अपना नेम एंड नंबर लिखवाओगे, वो आपको कॉल करते हैं कि अब आ जाओ, बिकॉज वहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, पर्टिकुलर दो या तीन लोग ही वहाँ पर जाके प्रीमियम कलेक्शन देख सकते हैं। और वो पहले ही क्लियर कर देते हैं ये कलेक्शन 1-1.5 लाख से ऊपर की है, तो अगर लेना चाहते हो तो वही जाना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है जाने का। तो वो जो उनकी प्रीमियम कलेक्शन है ना, उसके वो ब्लाउज सिलवा के देते हैं, बिकॉज दैट इज लाइक देयर हाई एंड वाली कलेक्शन। तो वो पूरा ब्लाउज सब कुछ आप जो बोलोगे वो पूरा करा के देंगे। लेकिन इनको जो नीचे वाला फ्लोर है जहाँ पर 1 लाख से कम के लहंगे हैं, जहाँ पे 40-50,000 के लहंगे हैं, वो आई थिंक ब्लाउज नहीं स्टिच करा के देते। मेरे टाइम पे तो देखो ऐसा ही था, इट्स बीन 1 ईयर नाउ, मतलब फेब में अब 1 साल होने वाला है। ऑल्सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर ऐसा ऑप्शन है ना कि ब्लाउज आप खुद सिलवा लो, तो बेटर आप खुद ही सिलवाओ, बिकॉज ब्लाउजेस में क्या होता है फिटिंग नहीं आती। लहंगा तो देखो वेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट ले लेंगे, उनको कुछ नहीं करना है, बटन लगाना है, देन या अगर ड्रॉ स्ट्रिंग, तो लहंगा आपको आ जाता है। लेकिन उसकी फिटिंग आनी इज लाइक 1 ट्रायल लगता है, 2 ट्रायल लगता है। मेरी खुद की ब्लाउज की 3रे ट्रायल में फिटिंग आई थी, एंड थैंक गॉड मेरा जो मैंने जिनसे बनवाया था, भैया जिनसे बनवाती हूँ, बिल्कुल मेरे घर के पास है, तो मैं जितनी बार जा सकती थी मेरे लिए भी इजी था। तो आई वुड से ब्लाउज चांदनी चौक से मत ही बनवाओ, बिकॉज आपको एक ब्लाउज ट्राई करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर फिटिंग नहीं आएगी, फिर दोबारा घर आओगे, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा आओगे। सो यार चांदनी चौक इज अ हसल, तो ऐसे बार बार चक्कर काटने से अच्छा ब्लाउज आप अपने लोकल टेलर से बनवाओ, ताकि आप बार बार जाके चेक भी कर सको, एंड लहंगा फिर आप वहां से पिकअप कर सकते हो। नेक्स्ट अब किसी ने पूछा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, वट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेडिंग ट्रूजो। अब ये तो देखो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा कि ट्रूजो में क्या क्या चाहिए, लेकिन मैं एक क्विक सा जरा आंसर दे देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको ट्रूजो में चाहिए, बहुत सारे सूट्स, या बिकॉज ऑब्वियसली शादी के बाद आपके डिनर्स होने वाले हैं, अगर आपके यहाँ साड़ी चलती है तो आप साड़ी ले सकते हो। आई एम मैरिड इन टू अ सिख फैमिली, तो मुझे पता था मेरी साड़ीज इतनी नहीं चलने वाली, प्लस मैं भी इतनी फॉन्ड नहीं हूँ। मैंने खाली 2 साड़ी रखी अपनी ट्रूजो के लिए, जो अभी तक ऐसी रखी हुई है, और अब 1 साल होने वाला शादी को, बिकॉज आई डोंट, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, मुझे बड़ी हसल लगती है। So, मैंने 2 साड़ी ली थी, एक मैंने ऑर्गेन्जा की ली थी, एक मैंने प्रॉपर जो हैवी सिल्क की साड़ी होती है ना, विच इज लाइक करवा चौथ बाइक वाली साड़ी, मैंने वो ली थी। सो आप साड़ीज में भी अलग अलग वैरायटी ले सकते हो, आप एक ऑर्गेन्जा की ले सकते हो, एक सिल्क की ले सकते हो, एक बनारसी ले सकते हो। आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट की वैरायटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप एक ही टाइप का क्लॉथ 20-30 लेके बैठ गए, नहीं, आपके ट्रूजो में हर चीज की वैरायटी होनी चाहिए। सो साड़ीज में आप अलग अलग मटेरियल ले सकते हो, सेम गोज फॉर सूट, सूट में भी आप वेलवेट के सूट ले सकते हो, अगर आपकी शादी अभी ठंड में हो रही है, बिकॉज शादी के जस्ट बाद काफी सारे डिनर्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो वेलवेट के सूट काफी काम आते हैं। देन यू कैन बाय ऑर्गेन्जा के सूट्स, काफी ट्रेंडी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं। आप सिल्क के अच्छे सूट ले सकते हो जो एकदम क्लासिक पीस लगते हैं। यू कैन बाय अ लॉट ऑफ कॉट सेट्स, इंडियन कॉट सेट्स भी आप ले सकते हो, बिकॉज अगर आप अपने लाइक हस्बैंड के साथ कहीं जाते हो, आपको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न पहनना है, लाइक ना वो प्रॉपरली वेस्टर्न हो ना वो प्रॉपरली इंडियन हो, तो कॉट सेट्स अच्छे लगते हैं, बिकॉज उसमें दुपट्टा नहीं आता, लेकिन वो एकदम इंडियन वाली वाइब्स देते हैं। सो यू कैन बाय कॉट सेट्स एज वेल, सूट्स हो गए, देन साड़ीज हो गए, देन यू हैव टू बाय नाइट वेयर एज वेल। यस, आपके ट्रूजो में नाइट वेयर भी होना चाहिए, बिकॉज अपने घर में आप जैसे भी घिसे विसे पजामे पहनो, आप जब शादी हो जाती है यू रियली हैव टू वेयर समथिंग गुड एट होम एज वेल। सो अच्छे अच्छे नाइट सूट के सेट्स आप ले सकते हो, आपको जिवामे मिल जाएंगे, क्लोविया भी मिल जाएंगे, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट्स में जाओगे आपको इजिली काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। सीजन के हिसाब से नाइट सेट्स रख सकते हो, यू हैव टू बाय अंडर गारमेंट्स एज वेल, लाइक आई मेड श्योर कि मैं सारे नए अंडर गारमेंट्स कैरी करूँ, सो फ्रॉम ब्रास टू अंडर लाइक पैंटीज एंड ऑल, मैंने सब कुछ फ्रेश कैरी करी थी अपने ट्रूजो के लिए, जो सब कुछ मैंने पैक किया था। देन यू हैव टू पैक अ सेपरेट बैग फॉर योर फर्स्ट डे इन टू द मैरिज, बिकॉज आप ट्रूजो सारा लेके जाओगे वो तो ऑब्वियसली बड़े बड़े बैग्स होंगे, या फिर आप पहले ही लगवा दोगे घर में, एंड वो
बहुत बड़ा ऐसे सामान होता है, उसके अंदर ढूंढोगे तो नहीं। तो शादी के नेक्स्ट डे लाइक विदाई पे जो आप अपना एक सूट केस लेके जाओगे ना, मेक श्योर उसमें पूरा एक दिन या दो दिन का सामान हो। उसमें दो सूट होने चाहिए, एक नाइट वेयर होना चाहिए, रात में पहनने का टावल होना चाहिए, आपकी स्किन केयर मेकअप किट होनी चाहिए, और जो भी लॉन्ड्री लॉन्ड्री का सामान या फिर जो भी लॉन्ड्री एंड ऑल होती है वो सब होनी चाहिए। सो उसमें एक या दो दिन का, जैसे आप ट्रिप के लिए पैक करते हो ना, आपको लिटरली वो दो दिन का सामान एक अलग रखना चाहिए, सो दैट आप जाते उसको खोलो एंड ईजिली सब कुछ रीच आउट हो, ईजी रहता है आपके लिए। एंड या ये सारी बेसिक चीज़ें, इसके अलावा तो एंडलेस चीज़ें होती हैं यार। मैंने अपनी ब्राइडल वैनिटी पे भी वीडियो बनाई हुई है, जस्ट इन केस यू वांट टू सी कि ब्राइडल मेकअप वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए, मैं वो यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन वॉच दैट। ज्वेलरी रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, किसी ने पूछा है वेडिंग ज्वेलरी फॉर ब्राइड, देन नीलू ने पूछा है वेडिंग ज्वेलरी, देन किसी ने पूछा था फॉर हल्दी मेहंदी एज वेल, या आरू ने पूछा है फ्लोरल ज्वेलरी रिकमेंडेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हल्दी मेहंदी की ज्वेलरी। देखो वो आपको मिलेगी किनारी बाजार में, एंड किनारी बाजार में एंडलेस वैरायटी है, लाइक वो वायरल वाली भी मिल जाएंगे जो फ्लोरल ज्वेलरी होती है, देन ट्रेंडी वाली भी मिल जाएंगे। आजकल काफ़ी सारी ट्रेंडी वाली भी ज्वेलरी चल रही है जो एकदम बोहो टाइप लगती है, वो भी आपको किनारी बाजार में मिल जाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एल्स, सदर एंड ऑल मत जाना, जस्ट गो टू किनारी बाजार, ये भी आपको चांद चौक में मिलेगी। आप जब वो पार्क वाली मैंने आपको एग्जिट बताई ना, वहाँ से निकलोगे ऑपोजिट साइड ही एक किनारी बाजार की गली, आई थिंक पराठे वाली गली से वो मार्केट शुरू होती है, फिर आप किसे ही पूछ सकते हो कि हमें किनारी बाजार जाना है, वो आपको रास्ता बता देंगे। एंड दैट मार्केट इज स्पेसिफिकली फॉर ज्वेलरी, आपको ब्राइडल ज्वेलरी भी वही मिल जाएगी, बहुत सारी वहाँ पे शॉप्स हैं ब्राइडल ज्वेलरी की, सो आप इजीली वहाँ से कुछ भी पिकअप कर सकते हो। देन हल्दी मेहंदी की ज्वेलरी, हल्दी मेहंदी की डेकोरेशन, गिफ्टिंग के आइटम्स, मतलब अगर आप गिफ्ट भी करना चाहते हो, लाइक मैंने अपनी शादी में पोटली बैग्स दिए थे सबको, तो मैंने वहीं से ही लिए थे, बहुत सुंदर सुंदर पोटली बैग्स मिलते हैं। हल्दी मेहंदी का डेकोर की ज्वेलरी मिलती है, स्टिकर्स मिलते हैं जो बैचेस सब लगाते हैं, दुपट्टे, चुन्नी, थाली, हल्दी मेहंदी की थाली, लिटरली आप वहाँ जाओगे ना आपको तब जाकर रिलाइज होगा अरे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बिकॉज दैट मार्केट हैज एवरी थिंग। तो आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ मार्केट में वॉक करोगे ना आपको चीज़ें अपने आप दिखेंगी, एंड यू कैन ईजिली पिक इट अप। नेक्स्ट ने पूछा है वेयर टू बाय रिसेप्शन लहंगा और गाउन। लहंगा अगेन, रिसेप्शन के जो लहंगा होते हैं दे आर मोर लाइक ऑन द गोल्डन टोन्स, या जो एकदम गोल्डनिश ग्लैमरस वाले होते हैं ना, ग्लिटरी वाले, वैसे वाले लहंगा चलते हैं। अगर आप ब्राइडल टाइप के पहनना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। सो मैंने रिसेंटली अभी एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाई थी विद कला नूर, सो वो आप चेक कर सकते हो। कला नूर की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी, अगेन वेरी नियर बाय, आप जैसे वो मेट्रो की एग्जिट लेते हो ना, शॉर्टकट से थोड़ा सा आगे जाते ही कला नूर की शॉप आ जाती है, तो काफ़ी पास पड़ती है। उनके शैंपेन वाले ब्राइट एकदम चटक वाले लहंगेज मुझे बहुत अच्छे लगे, सो रिसेप्शन के लिए मुझे वो ऑप्शन अच्छा लगा। फॉर गाउन्स यू कैन डेफिनेटली गो टू मालीवाड़ा। सो अगेन एज आई टोल्ड यू, नई सड़क एक पूरी टाउन हॉल ऐसे है ना, तो टाउन हॉल के जस्ट सामने पूरी एक रोड जाती है विच इज कॉल्ड नई सड़क, एंड नई सड़क पे आपको एक मालीवाड़ा एरिया है जहाँ पे पूरी एक गली जाती है, एंड दैट इज फेमस फॉर गाउन्स लहंगे। सो मैंने गाउन्स देखे थे अरुण पे, काफी अच्छे गाउन्स थे, बट अगेन रश, बहुत रश है। अरुण वस्त्र भंडार इज अ क्योटिक शॉप, बड़ी भीड़ होती है, तो मैं इतना कमेंट नहीं करने वाली। मंडे टू फ्राइडे जाओ, अर्ली मॉर्निंग शायद इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन सैटरडे संडे तो आप धक्के खा के वापस आओगे और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो दैट इज मोर लाइक अ ओवर हाइप्ड शॉप, लेकिन उसके अलावा उसके आसपास काफ़ी सारी शॉप्स हैं, देयर इज गौरवी, सियोनी, दो तीन मुझे फेमस पता है, लेकिन उसके अलावा आपको वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगी जिनके पास एंडलेस गाउन्स हैं, एंडलेस लहंगे हैं, रिसेप्शन का हो, सगन का हो, ईजिली आपको मिल जाएगा। सो नई सड़क पे आपको मालीवाड़ा जाना है, यू कैन ईजिली फाइंड द शॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतिका का, उन्होंने पूछा है गोइंग टू बाय लहंगा फ्रॉम दिल्ली बट समहाउ हर्ड दैट दे चेंज ब्लाउज और मेजरमेंट्स चेंज। ओके, ये तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। देखो आई वोंट से ब्लाउज का मेजरमेंट है वो अपने आप से चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ फिटिंग ब्लाउज की आनी थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आप जितनी मेजरमेंट दो ब्लाउज का, अगर हैंडवर्क बहुत ज़्यादा होगा, स्पेसिफिकली ब्राइडल शादी का जो लहंगा होता है उसका ब्लाउज बहुत हैवी होता है, तो उसकी कटिंग करना, उसकी शेप निकालना, काफ़ी बार जो पैडिंग होती है वो सही नहीं बैठती, फिटिंग नहीं आती। इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया कि अगर आपका शॉपकीपर बोलता है ब्लाउज आप खुद बनवा लो, तो खुद ही बनवा लो, बिकॉज आपने लोकल टेलर से बनवाओगे ज़्यादा चक्कर काट पाओगे, ईजिली आप उसमें चेंजेस करा पाओगे, बिकॉज चांदनी चौक आना जाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो ऐसे चेंज नहीं करते वो मेजरमेंट, बट या ब्लाउज की मेजरमेंट एक बार आने में टाइम लगता है, फिटिंग एकदम नहीं आती। आप एक बार ट्राई करोगे आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ से ऐसा है, यहाँ पे चुभ रहा है, या फिर अंडर आर्म से थोड़ा सा लूज करो। नेक्स्ट किसी ने पूछा है हेयर एक्सटेंशन शॉप्स इन दिल्ली और ऑनलाइन। दिल्ली में जो सबसे अच्छे हेयर एक्सटेंशन मिलते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो मिलते हैं लाजपत नगर मार्केट में। आप जब भी लाजपत नगर मार्केट जाओगे ना, आपको वहाँ पे एक बड़ी फेमस ब्लाउज की शॉप है, आई थिंक किन्स या फिर क्लोव कोई फुटवेयर की शॉप है, उसके जस्ट ऑपोजिट है ब्लाउज की शॉप, उसके जस्ट साइड में ही एक गली जाती है जहाँ
पर बहुत सारे आपको विग्स मिलते हैं, एक्सटेंशन मिलते हैं. मैंने भी एक्सटेंशन वहीं से ली थी लेकिन मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी. शी सेड इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसमें कर्ल्स नहीं बने हुए. उनको उस दिन कर्ली हेयर स्टाइल करना था जो मेरा रिसेप्शन पे हुआ था, सो फिर उन्होंने अपनी ही एक्सटेंशन लगाई थी. बट अगर आप अपने लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लाजपत नगर जा सकते हो. लाजपत नगर से भी सस्ता रेट जो मुझे दिखा वो दिखा मुझे सदर में. बट अगेन सदर जाने इज लाइक धक्के खाना, थोड़ा सा टाइम लगता है. बट आप थोड़े से पैसे बचाना चाहते हो या फिर ओवरऑल शादी की शॉपिंग करना चाहते हो, सदर इज़ अ वेरी नाइस मार्केट. सदर में आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे, बालों की सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी. मतलब ये जितनी भी जूड़ा पेन एक्सेसरीज आती है ना, ये तो प्लीज़ ले लेना, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट या फिर लोकल पार्लर भी ना इतना चार्ज करते हैं एक्सेसरीज़ का. मैंने अपनी मदर की, अपने रिलेटिव की, लिटरली सबकी मैं एक्सेसरीज वहीं से लेके आई थी, सो दैट पार्लर ज़्यादा चार्ज ना करे और फिर आप उनको रीयूज़ भी कर सकते हो. तो सदर से तो मैंने इतनी सारी जूड़ा पिन ली थी, हेयर एक्सेसरीज़ है कि जितने पीछे लगाने के होते हैं, साइड के बोज होते हैं. सो सदर इज़ अ वेरी नाइस मार्केट. एक बार तो आई थिंक वहाँ पे चक्कर लगाना ही चाहिए अगर आपकी शादी है, घर में शादी है. गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगेन किनारी बाजार से भी सस्ता रेट अगर मैं किसी का बोलूँगी तो वो सदर का है, बिकॉज सदर इज़ लाइक अ एक्चुअल होलसेल मार्केट. वहाँ पे सारे होलसेलर लेने आते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीस लेना चाहते हो तो आपको होलसेल वाले रेट पे भी दे देंगे. नेक्स्ट किसी ने पूछा है ऑनलाइन आउटफिट इन बजट फॉर कजन्स वेडिंग. ऑनलाइन तो देखो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज मैंने लिटरली देखा जो लोकल मार्केट में आपको लाजपत करोल बाग में से बाहर लटके रहते हैं ना आउटफिट, वही आउटफिट आपको ऑनलाइन कितने डबल ट्रिपल प्राइस में मिलते हैं. तो मैं तो एडवाइस करूँगी अगर वेडिंग रिलेटेड आउटफिट्स लेने ना हैवी वाले, तो प्लीज़ ऑफलाइन ही जाओ, मार्केट्स में जाओ, आपको अच्छे रेट मिलेंगे. लेकिन अगर किसी रीज़न से आप नहीं जा सकते, देन आई वुड से मिंत्रा. मिंत्रा इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट. मिंत्रा पे आप लिबास ट्राई कर सकते हो. लिबास मेरा पर्सनल फेवरेट है. मेरे ट्रूज़ों में अगर आप मेरे से पूछोगे ना ट्रूज़ों में ऑनलाइन कपड़े कहाँ से लेने चाहिए, तो मैं दो ब्रांड्स रिकमेंड करूँगी. नंबर वन इज़ लिबास एंड नंबर टू इज़ इंडिया. मेरा लिटरली पूरी जो ट्रूज़ों की कलेक्शन है वो इन्हीं दो ब्रांड से भरी हुई है. आई डोंट नो पीपल प्रोनाउंस इट एज इंडिया और इंडिया. श्रद्धा कपूर का ऐड आता है, वो इंडिया बोलती है. सो या इंडिया आई वुड से. सो जितने मेरे इंडो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ आउटफिट्स है ना, जम्प सूट्स हो गए, बिकॉज इंडिया जो भी कपड़े बनाता है वो थोड़े से लाइक मॉडर्न वेस्टर्नाइज वाले इंडियन कपड़े बनाता है. उसमें दुपट्टा नहीं होता, दुपट्टा होता भी है तो वो बेल्ट से अटैच्ड होता है, उसमें वो ऐसे थर्ड दुपट्टा वाला सीन नहीं होता. सो मेरे पास जितने भी फैंसी इंडो वेस्टर्न वाले कपड़े हैं वो सारे इंडिया के हैं. आई रियली लाइक इट. लाइट होते हैं, ईजी टू वेयर होते हैं. इंडिया का स्मॉल मुझे बहुत प्यारा फिटिंग आती है, तो मुझे टेंशन नहीं रहती फिटिंग कराने की. सेकंड ब्रांड इज लिबास. लिबास के सूट भी बहुत अच्छे हैं, मिंत्रा पे आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे. इनफैक्ट मैंने अपनी हाइप स्टोर की एक लिस्ट बनाई हुई है लिबास के फेवरेट सूट्स की. मैं लिबास से 3-4 सूट्स लेते हैं जो मैं अभी डिनर और पार्टीज में ऑलरेडी पहन चुकी हूँ. आपने मेरे रील्स पर भी देखा ही होगा. मैं लिंक नीचे डाल दूंगी हाइप स्टो का. मैंने एक लिबास की पूरी कलेक्शन बनाई हुई है जिसमें मैंने अपने सारे फेवरेट लिबास के सूट डाले हुए हैं, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो. लिबास की अपनी वेबसाइट पे भी बहुत अच्छी डील्स चलती हैं, सो अगर आप उनकी वेबसाइट से भी लेना चाहते हो आप वो लिंक पे क्लिक करके वहाँ से भी ले सकते हो. नेक्स्ट अब रोशनी ने पूछा है पैम्पर हेल्थ केयर बिफोर मैरिज. ओके, ये तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज शादी से पहले लड़कियाँ बेचारी इतनी टेंशन में होती है, इतनी नर्वस होती है. मेरा खुद का वेट इतना कम हो गया था, मैं लिटरली ऐसे स्टिक थिन हो गई थी अपनी शादी के टाइम पे, बिकॉज स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, प्लस ऑब्वियसली द एंग्जाइटी ऑफ गेटिंग मैरिड वो तो अलग ही लेवल पे होती है. सो यार खुद को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है. स्ट्रेस की वैसे दाने नहीं आने चाहिए, स्ट्रेस उतना ही लो कि बस काम हो जाए, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लेना कि वो फेस पर दिखने लग जाए, अंडर आइज में डार्क सर्कल हो जाए, एक्ने हो जाए. सो द ओनली थिंग आई डिड फॉर हैविंग अ नाइस क्लियर स्किन ऑन माई मैरिज इज क्विट शुगर. मैं अगर आज भी चीनी बिल्कुल छोड़ दूंगी ना, लिटरली मेरी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी, बिकॉज मुझे पता है मुझे चीनी से ही एक्ने होते हैं. सो डेयरी एंड शुगर, ये दो चीज़ें थी जो मैंने लिटरली अपनी शादी से 1.5 महीने पहले छोड़ दी थी. दूध लेना बंद कर दिया था, बिकॉज ये जो डेयरी वाला मिल्क होता है ये अगेन हार्मोनल एक्ने में से कॉमेडॉन्स एंड एक्ने निकलते हैं. एंड सेकेंड इज शुगर. ये दो चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे ना लिटरली आपकी स्किन वैसी क्लियर हो जाएगी. लेकिन इसके अलावा मैंने क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी कराई थी. मैंने अपनी शादी से 3 या 4 दिन पहले, लाइक सगाई से 1 या 2 दिन पहले, मेडिफेशियल कराया था ज्यूरी से ही. ज्यूरी इज़ इन रजौरी. मैं वहाँ से अपना लेजिक का भी सेशन करा रही हूँ. लेजिक नहीं, लेज़र. मैंने अपनी रीसेंट स्टोरी में भी लेजिक बोला है. लेजिक आइज़ के लिए होता है. रियली सॉरी, मैं कन्फ्यूज जाती हूँ. लेज़र बॉडी हेयर रिडक्शन लेज़र जो होता है, मैंने वो ज्यूरी से ही अभी करवाया हुआ है फुल बॉडी का. उसका भी Q&A भी पेंडिंग है, सो वो भी जल्दी आने वाला है. एंड इसके अलावा जो भी मैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स कराती हूँ वहीं से कराती हूँ. सो मैंने अपनी शादी से 2 महीने पहले कराया था. इट वॉज सम क्या फेशियल था वो, कुछ उन्होंने ऐसे गन मारी थी, ब्लैक हटाया था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. इट वॉज क्यू स्विच नहीं कुछ. इट वॉज सम फेशियल फॉर लाइक जो भी स्कारिंग होती है उसको कम करने के लिए, पिगमेंटेशन कम करने के लिए. लेकिन मैंने अपनी शादी से 2 या 3 दिन पहले जो कराया था, इट वॉज मेडिफेशियल प्रो एंड हाईली रिकमेंडेड. ज्यूरी का तो मैं मेडिफेशियल प्रो हाईली रिकमेंड करूँगी. अगर आप वहाँ जाओगे बात करोगे, प्लीज़ टेक माई नेम, गेट सम डिस्काउंट, दे विल डेफिनेटली
पैम्पर यू गाइज रियली वेल. मुझे उनका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है. सो मेडिफेशियल प्रो जो होता है ये पूरा एक क्लिनिकल प्रोसीजर होता है. इट इज़ अ मिक्स ऑफ हाइड्राफेशियल, पील भी इसके अंदर किया जाता है और इसका डाउन टाइम नहीं है. सो लिटरली मैंने अपने सगन से 2 दिन पहले कराया था. कोई स्किन रेड नहीं हुई, कोई तरह की रिएक्शन नहीं हुआ, स्किन इतनी अच्छे से क्लियर हो गई थी, सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल गए थे, फोटोग्राफ्स मेरी बहुत अच्छी निकल के आई थी. सो आप ऐसे वाले क्लिनिकल फेशियल करा सकते हो. फाइनली कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चंस, बिकॉज काफ़ी सारे रिपीटेटिव भी थे, मैंने ऑलमोस्ट उनका आंसर कर दिया तो मैं स्पेसिफिकली वो पिक नहीं कर रही. एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू फाइंड अफोर्डेबल आउटफिट्स दैट स्टिल मेक यू स्टैंड आउट. मतलब वो कह रही है मुझे अफोर्डेबल भी लेना है लेकिन थोड़ा सा स्टैंड आउट भी करना है. सो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप जो भी अनस्टिच ले रहे हो, सेमी स्टिच ले रहे हो, लाइक अफोर्डेबल में, बिकॉज सस्ते में आपको चाइन चौक में भी अनस्टिच मिलेगा फिर सेमी स्टिच मिलेगा, तो वो आप ले लो एंड उसके ऊपर कस्टमाइजेशन अपनी खुद कर लो. लाइक आप क्या करो, आपने लहंगा ले लिया, उसके बाद आप जाओ सीधा किनारी बाजार जो चाइन चौक में आपको मिलेगा, उस लहंगे से मैचिंग लेसेस ले आओ. बहुत सारे पर्ल्स आजकल शेल्स आते हैं, आजकल काफ़ी सारे कपड़ों में आप देखोगे नीचे शेल्स लटकते हैं, लटकन लगी होती है, कुछ ना कुछ लाइक पर्ल्स लगे होते हैं. तो आपने लहंगे से मैचिंग कोई भी शेल पर्ल्स ले आओ और फिर उसके दुपट्टे पर लगवा लो, उसके जैकेट पर लगवा लो, उसके ब्लाउज में ऐड करा लो. तो ये चीज़ें जब आप ऐड करोगे ना, वो लहंगे आउटफिट की वैल्यू अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाएगी. वैसा ही लगेगा कि आपने कुछ सस्ता लिया है, उसमें आप अपने एलिमेंट्स ईजिली ऐड कर सकते हो और अपने कोई भी लोकल टेलर से वो स्टिच करा सकते हो या फिर ग्लू की मदद से उसको स्टिक भी कर सकते हो. सो यार थोड़ा बहुत आपको DIY करना पड़ेगा. सो दिस वॉज इट फॉर आवर चिटचैटी Q&A सेशन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं फ्यूचर में, काफ़ी सारे Q&A करने वाली हूँ. आई रियली वॉन्ट टू डू नाइस हार्ट टू हार्ट चिटचैट सेशन विद यू गाइज. उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ही Q&A डालती हूँ. मैं इस बार यूट्यूब पर नहीं डाल पाई बिकॉज मुझे याद नहीं रहा फिर जो भी था. सो इट्स बेटर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ जब भी मैं Q&A डालूंगी तो आप इजिली वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड यू कैन इंटरेक्ट विद मी एज वेल. इसके अलावा मैं जो भी डिटेल्स इस वीडियो में बोली हैं जो मैं लिख सकती हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी विद लिंक्स. तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना फॉर योर ईज. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. इस वीडियो के नीचे आप कोई भी वेडिंग रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो एंड आई डेफिनेटली आंसर दैट. आई नो हर चीज़ नहीं कवर हो सकती, जितने क्वेश्चन आए मैंने उसका आंसर दे दिया, लेकिन कुछ भी अगर मिस आउट हो गया हो या फिर आपको और एक्स्ट्रा कुछ जानना हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड या दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.